आज तो मैं उस औरत को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। मुझे पागल बनाने पर तुलाए ना मिले, सबके सामने उसकी सच्चाई लेकर आऊंगी मैं और सबको बताऊंगी कि सुलोचना सही और मिलिन गलत। ये तो एकदम मेरा ज़ेरॉक्स कॉपी है। सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना क्या हुआ? सुलोचना, हाँ, ये कौन सी वाली है? सुलोचना ही है, वही नहीं मैं कह रहा हूँ, ये सुलोचना ही है। लेकिन ये मायके गई थी ना, तो फिर अचानक यहाँ पर क्यों आई, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहनी, अरे छोड़ो ना, तुम पानी लेके आओ, बेहोशी वो। यस यस, अभी ला, अभी ला। सुनो सुनो, वहनी वहनी, पानी पानी पानी। हाँ सुनो सुनो, ए हाँ सुनो सुनो, किको हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ उठो उठो, क्या हुआ सुलोचना? वहनी, वो दूसरी औरत, दूसरी औरत, वो सेम टू सेम मेरे जैसी शक्ल। अरे सुलोचना, क्या बड़बड़ा रही हो तुम, कुछ भी बड़बड़ाई जा रही हो। क्या है ना वहनी, सुलोचना को चक्कर आ गई ना, इसलिए वो कुछ कुछ बड़बड़ रही है। मैं काम करता हूँ, सुलोचना को कमरे में लेके चलता हूँ, है ना, और डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। डॉक्टर आएंगे ना, उसको चेक करेंगे ना, तो सुलोचना ठीक हो जाएगी। सुलोचना, चल चल, आप टेंशन मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लेता हूँ। चलो 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 सुलोचना, चलो 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 चलो, आज आज उन्होंने मुझे सर के सारे कपड़े उतार कर उन पर ब्लैंकेट डालने के लिए कहा था। अमृता, इसका मतलब राघव बेकसूर था। उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, बस उसने मुझसे बात छुपाई है, दैट्स इट। इसका मतलब राघव गलत नहीं था, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। अमृता, अभी भी उम्मीद है, अभी भी हम सब कुछ सही कर सकते हैं। हाँ हाँ पल्लवी, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। पल्लवी, अमृता कहाँ थी तुम दोनों? आए पल्लू, आए, हम लोग ईशा का सच पता लगाने गए थे और जो पता चला है ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान में जान आ गई है। बहुत दिनों बाद जिंदगी जिंदगी जैसी फील हो रही है। भाई राघव ने मुझे धोखा नहीं दिया है, ये सब ईशा का प्लान था। हमारा प्यार, हमारा विश्वास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आई सच, मेरी गृहस्थी नहीं टूटेगी है, मैं अभी भी अपने परिवार को बचा सकती हूँ। पापा का लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी बेटी के गृहस्थी को बचा लिया। आई मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, राघव के साथ सब कुछ सॉर्ट करना चाहती हूँ, उस ईशा को उसके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं सबके सामने राघव को ईशा का सच बताऊंगी। कितने दिन से बेचारा गिल्ट में जी रहा था, आज मैं उसका गिल्ट खत्म करूंगी। आई सारी गलत फहमियाँ खत्म करके हम एक नई शुरुआत करेंगे। हम लोग ना
कीर्ति, अम्मा, राघव इन सबको डिनर पे बुलाते हैं। ईशा का चैप्टर खत्म करके राघव और मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। मैं जय जी को फोन कर देती हूँ। हाँ, पर आप उन्हें कुछ मत बताना, मैं खुद उन्हें बताऊंगी। ठीक है। जी शारदा जी, नमस्ते। नमस्ते जय जी, कैसी हैं आप? ऐसे हालात में कैसा हो सकता है? जी मैं समझ सकती हूँ। खैर, पल्लवी ने आज आप सबको खाने पे बुलाया है, आपको, राघव को, कीर्ति को, सनी को, आप सबको लेके जरूर आइएगा। पर अचानक? हाँ, उसे कुछ जरूरी बात करनी है आप सबसे, इसलिए आप सबको लेकर जरूर आइएगा। क्या बात करना है उसको? ये तो पल्लवी ही जानती है। अच्छा ठीक है, हम सब आ जाएगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है। कि पल्लवी को अचानक से हमसे क्या बात करना है? राघव। हाँ माँ। पल्लवी ने देशमुख हाउस में बुलाया हमको डिनर के लिए, उसको कोई जरूरी बात करना है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? ये तो उसी को ही पता होगा। चलते हैं ना, शायद ईशा से रिलेटेड ही कुछ होगा, है ना भाई? हाँ, और वैसे भी मेरे को इस बात से ज्यादा पल्लवी के साथ बैठ के डिनर करने का ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत टाइम हो गया पल्लवी के साथ बैठ के खाना नहीं खाया मैं। आप लोग जाइए, मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो करके आता है। हाँ, मीटिंग बाद में कर लेना, उसने साथ में बुलाया हम सबको। अम्मा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पोस्टपोन नहीं कर सकता, और वैसे ही फरात नहीं है, सब कुछ मेरे को हैंडल करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, हम दोनों पहले चले जाएगा, तुम बाद में आ जाना। ठीक है अम्मा। वेंकटेश्वरा, मैं तो बस आपसे ये प्रार्थना करता है कि आज पल्लवी हमको कोई अच्छा खबर दे, जो खतरा मेरे बच्चों के सर पे मंडरा रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रजनी आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे मैंने सुलोचना को उसके कमरे में सुला दिया है, अब तुम बाहर आ सकती हो। मिलिंद, मेरे को लगता है ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ये बात हाथ से निकल जाने से पहले हमें ये बात सबको बता देना चाहिए सच सच। और वैसे भी पल्लवी को तो सब पता है ना, तो हम सबको ये बात बताकर खत्म कर देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रजनी, और ना मैं खुद भी थक गया हूँ ये सब करके, और तुम्हारी प्रॉब्लम में मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ना कि सुलोचना को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपनी फैमिली को ना मिस कर रही है, इसीलिए तो वो यहाँ पर बार बार आ रही है। बस क्या है ना, आज रात को पल्लवी के ससुराल वाले यहाँ पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो आज रहने देते हैं, कल हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके अम्मा, अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आज से सब ठीक होगा। ये सुलोचना जी दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आराम कर रही है। कीर्ति, जया जी आइए ना, बैठिए। राघव अभी तक नहीं आया, वो कार पार्क कर रहा है क्या? नहीं, वो हमारे साथ नहीं आया, एक्चुअली उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो उसने कहा वो खत्म करके आएगा। नहीं बेटा, थैंक यू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है शेर जी, आप पानी तक नहीं पी रही है। शारदा जी, जिसके बच्चों के सर पर तूफान मंडरा रहा हो, वो कैसे कुछ खा पी सकता है? मैं समझ सकती हूँ, मेरे राघव के ऊपर रेप का इल्जाम लगा है, और पल्लवी अपना घर छोड़ के अपना मायका आ गया है। कभी कभी मेरे को बहुत डर लगता है शारदा जी, डर लगता है कि ये सब कब ठीक होएगा, कैसे ठीक होएगा। जय जी, ऐसे उम्मीद मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
अपने बहू पर थोड़ा विश्वास रखे। पल्लवी, ऐसी क्या बात है जो तुमने हम सबको ऐसे बुला लिया? मैं और अम्मा कब से जानना चाहते हैं? सबसे ज्यादा तो मैं डेस्परेट हूँ जानने के लिए, तभी तो कीर्ति के एक बार बोलने पर आ गया। कीर्ति, मैं राघव के बिना वो बात शेयर नहीं कर सकती। हाँ तो तुम राघव को कॉल करके यहाँ बुला लो ना। उसका फोन नहीं लग रहा है। ये राघव बिना, मैं बोला था टाइम पे आ जाना, सबको वेट नहीं करा ना, पर काम के आगे उसको कुछ समझ नहीं आता है। अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर जाके राघव को लेकर आती हूँ, फिर आप सब लोगों को बात बताऊंगी। पल्लवी, मैं भी चलता हूँ। नहीं काका, मैं चली जाऊंगी। मैं चलूँ तुम्हारे साथ पल्लवी? इट्स ओके अमृता, मैं आती हूँ। राघव अपने डेन में ही होगा, एक बार उसे घर लेकर जाती हूँ और फिर सबके सामने उसे ईशा का सच बताऊंगी। एक बार उसे सच पता चल जाएगा तो उसका सारा गिल्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर हम सब मिलकर उस ईशा को उसके किए की सजा देंगे। मुझे हराना इतना आसान नहीं है पल्लवी। बड़ी मुश्किल से मुझे राघव को पाने का जरिया मिला है, उसे इतनी आसानी से खुद से दूर होने नहीं दूंगी मैं। ईशा तुम नहीं, ये पल्लवी राघव कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है कि राघव की मीटिंग खत्म ही ना हुई हो, इसलिए उसको लेट हो गया। एक बार पल्लवी को कॉल करके पूछ लेते हैं ना। मैं भी पल्लवी को फोन करता हूँ। पल्लवी का फोन लग नहीं रहा। मैं एक बार भाई को कॉल करके देखती हूँ। भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। वेंकटेश्वरा, मेरे बच्चों का रक्षा करना। How dare you, ईशा? तुम्हारी हिम्मत किस हो यहाँ आने का? निकल मेरे घर से अभी अभी। नहीं राघव, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं जानती हूँ मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा। इस टाइम में मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, लेकिन सच तो यही है कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करती हूं। जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी? तुम बताओ, उस रात हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मेरे दिल में उम्मीदें जागना गलत था क्या? अगर तुम पल्लवी से प्यार करते तो क्या तुम मेरे साथ वो सब करते?
नहीं राघव, तुमने खुद को नहीं रोका क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राघव, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, और पल्लवी वो तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट करके तुम्हें खुद से दूर कर रही है। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हूँ, और पल्लवी वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब तुम ये सोचो कि तुम किसके साथ ज्यादा खुश रहोगे, जो तुमसे सच्चा प्यार करती है उसके साथ, या जो तुम्हें बदल कर तुम्हें कुछ और ही बनाना चाहती है उसके साथ। राघव, आई प्रॉमिस, अगर पल्लवी को छोड़कर तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो मैं ये केस वापस ले लूंगी। सोच लो राघव, लॉस नहीं होगा तुम्हारा, आफ्टर ऑल द राघव राव हो तुम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी फैमिली, ये सब मेरे केस जीतते ही खत्म हो जाएगा। आज तक जिस चीज पर तुम इतना घमंड करते आए हो वो एक ही सेकंड में तुमसे छिन जाएगी। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो राघव सोचो, तुम्हें एक प्यार करने वाली बीवी मिलेगी जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, और अगर पल्लवी का साथ देते हो, उसके साथ रहोगे तो सिर्फ जेल की सजा, जिंदगी भर की बदनामी, अकेलापन और फैमिली का दर्द, सिर्फ यही देखोगे। यहां तक कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन वो तक तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। तो बताओ किसे चुनते हो तुम, बोलो राघव, चलोगे मेरे साथ, दोगे मेरा साथ? अभी भी फोन नहीं लग रहा है। इतनी देर से फोन लगा रहा है दोनों को, दोनों का फोन ही नहीं लग रहा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। हाँ जय जी, पल्लवी को जाके बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे राघव को लेके आ जाना चाहिए था। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ, और भाई ने भी कहा था कि उसकी मीटिंग एक घंटे तक चलेगी, पर अभी बहुत समय हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं खुद जाकर देखाता हूँ। नहीं अंकल, आप परेशान मत होइए, हम एक काम करते हैं, मैं और सनी जाकर देखते हैं, हमारे पास ड्राइवर भी है। ये सुमित मुझे क्यों कॉल कर रहा है? पल्लवी, पल्लवी तुम यहाँ कैसे आए? किसने किया ये सब? ईशा ने मुझे यहाँ बंद किया। राघव, वो ईशा बहुत घटिया इंसान है, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है हम सबको, अपने जाल में फंसाया उसने तुम्हें। झूठ बोल रही थी राघव, उस रात तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैं उस वेटर से मिली जो ईशा के साथ उस रात उस प्लान में शामिल था, उसने मुझे सब कुछ सच बताया। राघव सर के साथ जो औरत आई थी, उन्होंने मुझे एक शराब की बोतल लाने के लिए कहा था, उसमें उन्होंने कुछ दवाई भी मिलाई थी, बहुत पैसे भी देते उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझे सर के सारे कपड़े उतार कर उन पर ब्लैंकेट डालने के लिए कहा था, वो मैडम ने जो जो कहा वो सब मैंने किया। वाह पल्लवी, वैसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी बड़ी बातें करती हो, और आज अपनी शादी बचाने के लिए तुम इस हद तक गिर रही हो, कुछ भी झूठ बोले जा रही हो तुम। उस रात तुम नहीं थी वहां पर, मैं और राघव थे, और राघव बहुत अच्छे से जानता है कि उस रात क्या हुआ था हम दोनों के बीच, और वो ये भी जानता है कि क्यों हुआ था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। पल्लवी, राघव ने मेरा हाथ थाम लिया है, उसने फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।